जैसे कोई भी फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, दैट इज 2x। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का, डेरिवेटिव इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी यानी कि वाई विद रिस्पेक्ट टू अनदर अनदर यानी कि इस केस में एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, राइट। जैसे यहाँ पर ये क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एक मिनट होल्ड करना बच्चों जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने 9-10 में साइंस में किया होगा, क्या होता है बता सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, सर स्पीड, स्पीड स्पीड होती है ना। तो मान लो आपको डिस्टेंस दिया है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, और वो उसके लिए कोई इक्वेशन दी है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रही है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। सो मेन जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात क्या है कि एक क्वांटिटी को अगर आप दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल मीनिंग उसका हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्या कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ये हमें मिलेगा उससे, राइट। जैसे मान लो कोई सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ इसका रेडियस चेंज हो रहा है, राइट, समझ रहे हैं आप, टाइम के साथ साथ इसका रेडियस चेंज हो रहा है। तो डी आर बाई डी टी का क्या मीनिंग है, डी आर बाई डी टी का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ इसका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हम डी आर बाई डी टी से फाइंड कर सकते हैं। रेडियस चेंज होने के साथ साथ इसका एरिया चेंज होगा, ठीक है, तो अगर एरिया चेंज हो रहा है
तो हम इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा, ये हम डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। इसका सर्कमफ्रेंस भी चेंज होगा, सर्कमफ्रेंस मान लो हमें फाइंड करना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम सर्कमफ्रेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इससे हमारा हमें क्या मिलेगा कि सर्कमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज रेट। अगर हम सर्कमफ्रेंस को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका मतलब है कि सर्कमफ्रेंस रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, कितना मान लो एक सेंटीमीटर रेडियस चेंज होता है तो सर्कमफ्रेंस कितना चेंज होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, राइट। तो ये है, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज है दूसरे के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। यस सर, एक्सरसाइज पे आ जाओ। सो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सॉरी व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dy by dx, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव इज इट गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, राइट। यस सर, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, सो व्हाट इज फर्स्ट एक्सरसाइज, देखो जरा एक्सरसाइज 6.1। सर मेरी नोटबुक खत्म हो गई, मैं दूसरी लेके आया। देखो जरा, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल हो गया हमारे पास, आर इसका रेडियस है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसका रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज होने के साथ साथ और क्या चेंज होगा, रेडियस एरिया चेंज होगा, सर्कमफ्रेंस भी चेंज होगा। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होता है, डी ए बाई डी आर। देखो ये तो हमने एरिया को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में किया, रेडियस के रिस्पेक्ट में किया, हम एरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज इक्वल टू, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये 2 पाई आर, करेक्ट। यस, क्वेश्चन में लिखा है व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उस टाइम पे हमें डीए बाई डीआर फाइंड करना है, सो डीए बाई डीआर एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई, आर को यहाँ पर हम 3 डाल देंगे, ठीक है, 6 पाई, 6 पाई क्या, ये क्या है, एरिया का रेट ऑफ चेंज है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होता है तो एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा, और वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। अगर आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज हुआ, 1 सेंटीमीटर मान लो कम हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लेस, इतना कम हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो गया तो रेडियस कितना, सॉरी एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। अच्छा yes, इसमें दिस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होगा तो एरिया इतना सेंटीमीटर चेंज होगा। फिजिक्स में आपने देखा होगा, फिजिक्स में अगर ऐसा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर है तो एक यूनिट यहाँ से कम हो जाती है और सेंटीमीटर हो जाता है,
सेंटीमीटर हो जाता है। पर ये एक्चुअली क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, इसमें हमें बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, इतना रेट एरिया चेंज होगा एक सेंटीमीटर रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे ही लिखना है, फिजिक्स की तरह से इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखना, ठीक है? नमन समझ आया? यस सर। यस नोट कर लो, फिर मैं सेकंड समझाता हूँ। इसी के सेकंड पार्ट में जैसे क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 4, उस केस में क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा, बताओ, 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब जिस टाइम पे इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस जो 4 सेंटीमीटर होगा, वहां पर अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होता है, 1 सेंटीमीटर चेंज होता है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ये वाला एरिया है, ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है? अगर मान लो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मान लो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अब रेडियस को 1 सेंटीमीटर चेंज कर दिया जाए, तो ये जो चेंज आया एरिया में, एरिया इतना बढ़ गया ना पहले से, ये जो चेंज है ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाला जो अंदर वाले रिंग का एरिया है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर वाले रिंग पाई की वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी होती, नहीं पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी होती, ठीक है? चलें आगे, जैसे सेकंड समझे। यस सर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, दिस इज क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यूब के वॉल्यूम को हम वी से डिनोट कर देते हैं। वॉल्यूम चेंज हो रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, जान बता सकते हो? क्या सर, आवाज नहीं आ रही मुझे आपके। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट? ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, इसका क्या मतलब हुआ? Sir, change in volume with respect to time. With respect to, मतलब ये कि एक सेकंड में इस क्यूब का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकंड टाइम 1 सेकंड में इस क्यूब का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? इसका वॉल्यूम वेरिएबल वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक सेकंड में इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में ये रेट ऑफ चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि पर सेकंड बोला इन्होंने, तो इसे हम लिखेंगे डीवी अपॉन डीटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? दिस इज गिवन टू अस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हम इसकी साइड को मान लेते हैं x, ठीक है? तो अगर हम वॉल्यूम में और साइड में एक रिलेशनशिप लिखें, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है x क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम यही होता है, ठीक है? समझ रहे हैं? और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, यह हमें बताना है, ठीक है? देखो, वॉल्यूम इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू x क्यूब। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया dv अपॉन dt। हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि dv अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कौन बताएगा, देवेश?
rate of change of volume with respect to time, Devesh? Yes, sir. 8 cm³. वो तो बेटा वैसे आप वो तो ठीक है, वो तो इसकी वैल्यू गिवन है, वो हो गई अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो मैंने टिक किया उस रिलेशन। तो x का क्यूब तो सर 8 का क्यूब हो जाएगा वो। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यहां से अगर आप फाइंड करेंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 3x² हो जाएगा। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² × आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² ही होता। लेकिन अब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले तो इसको लिखेंगे 3x² पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी, फिर जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव करते हैं हम, ठीक है। x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? x का डेरिवेटिव कितना होगा? dx/dt। ये समझ आया सर? लास्ट वाला वापस समझा दो। x क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, इनटू में जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होता है, चेन रूल लगा। ओके सर। x का भी डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx/dt। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। देखो dv/dt हमें गिवन है, कितना गिवन है? 8, ठीक है, अपॉन हो गया 3x², इसको मैंने लेफ्ट में लिख दिया, तो यहाँ से आपके पास आ गया dx/dt। व्हाट इज dx/dt, कौन बताएगा? dx/dt क्या होता है जान? x क्या था? x इसकी साइड, तो ये साइड का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड dx/dt। x अगर साइड है तो dx/dt क्या देगा हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। dx/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ दिस क्यूब, कि इस क्यूब की साइड किस रेट से चेंज हो रही है, इससे हमें ये पता लगा। और वो कितना है? 8/3x² × dx/dt। समझ आया? हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो देखो, हमारे पास साइड का रेट ऑफ चेंज है और सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो हमें एक रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा साइड और सरफेस एरिया के बीच में। साइड और सरफेस एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्यूब का जो सरफेस एरिया है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6x². ये जो क्यूब था हमारा, इस क्यूब का सरफेस एरिया, अगर इसकी साइड x है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसकी साइड x है तो इसका सरफेस एरिया होगा 6x², ठीक है। हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, इसलिए हमें एक रिलेशन लिखना होगा सरफेस एरिया और साइड के बीच में, और वो रिलेशन क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 × साइड² यही होता है। नमन। यस। अब हम s को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? ds/dt। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? ds/dt। इसको भी डिफरेंशिएट करूं, 6 × x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x × dx/dt, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यस। अच्छा, ds/dt हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें x and dx/dt पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 12x। अच्छा, dx/dt हम फाइंड करके आए हैं, इसीलिए हमने dx/dt फाइंड किया था, क्योंकि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड होना चाहिए। सो dx/dt की वैल्यू कितनी है? 8/3x², राइट? यस। एक एक्स को आप कट कर सकते हो, 3 से आप इसको कट कर सकते हो, 4, सो ये आपके पास हो गया 8/32x, राइट? दिस इज ds/dt। क्वेश्चन में आपको लिखा है व्हेन एज इज इक्वल टू 12 cm, मतलब क्यूब का जो एज है वो आपको कितना दिया हुआ है? 12 cm दिया हुआ है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 cm आपका ds/dt क्या होगा? ds/dt इज इक्वल टू 32/12, x की वैल्यू आपने 12 डाल दी यहाँ पर, 8/3। अच्छा, किसका रेट ऑफ चेंज है ये? सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है,
सरफेस एरिया मतलब एरिया, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। तो क्या लिखा आपने 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ आया? तो एक बार ऊपर कर दोगे और बार देख लोगे, निवेश समझ आ रहा है ये? हाँ जी सर आ रहा है। नोट करना है बच्चों, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो नोट नहीं कर रहा है। चल हो गया, तो वो 32/12 है, 32/12 हो गया। चले आगे देवेश। यस सर। देखो आगे, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, थर्ड क्वेश्चन रीड करो, रेडियस ऑफ ए सर्कल, बुक है सभी के पास? यस सर। हां सर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसे हम लिखेंगे dr/dt, dr क्योंकि रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया dr/dt। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझ आया आपको कि dr/dt क्या है? नमन। Yes, sir. अच्छा, किसका सर, किसका रेडियस है? सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? रेट एट विच एरिया चेंजिंग, आपको क्या फाइंड करना है? जिस रेट से एरिया चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब डी ए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, dA/dt, ये आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है? 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि उसका 1 सेकंड में उसका एरिया कितना चेंज होगा, लेकिन कब? जब उसका रेडियस, देखो ये मान लो सर्कल है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर यहां पर हम इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें और एरिया चेंज इन एरिया देखें,
तो एरिया इतना चेंज हुआ, समझ रहे हैं? अब अगर हमने इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर कर दिया, 5 सेंटीमीटर, और अब हम 1 सेंटीमीटर रेडियस इसका इंक्रीज कर दें, 1 सेंटीमीटर रेडिया एरिया इंक्रीज कर दें, तो चेंज इन एरिया कितना आएगा? ये कितना आएगा? अब एक बार बताओ, क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज कर देने से एरिया चेंज होगा, वो चेंज इन एरिया दोनों स्टेज पे बराबर होगा या अलग होगा? अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि डायग्राम से भी आप देख रहे हो, यहाँ तो इतना, ये जो रिंग बन रहा है इतना एरिया चेंज हुआ था, बट यहाँ जो बन रिंग बन रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो अलग अलग स्टेजेस पे एरिया चेंज इन एरिया होगा, वो अलग अलग होगा, करेक्ट? ये नहीं है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज होगा तो हर टाइम बराबर एरिया चेंज होगा, चेंज इन एरिया अलग अलग होगा, समझ गए? समझा नहीं? yes. तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 10, जब इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें देखो गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको ये फाइंड करना है, ये गिवन है, राइट? तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप गिवन में और जो फाइंड करना है उसमें एक रिलेशनशिप लिख पाए। अगर आप एक रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में लिख लेंगे तो आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हो गिवन में और जो फाइंड आउट करना है उसमें। गिवन है आपको रेडियस, फाइंड आउट करना आपको एरिया, तो एरिया और रेडियस में आपको एक रिलेशनशिप लिखना होगा। सर्कल के लिए एरिया में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कौन बताएगा? सर पाई आर स्क्वायर फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। देखो इसने क्या किया, इस इक्वेशन ने एरिया और रेडियस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है? अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज, तो इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीए, डीए का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एरिया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो नीचे आएगा डीटी, दिस इज डीए अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r, लेकिन हम तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, फिर जो पावर के नीचे फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डी आर बाई डी टी, राइट? अच्छा हमारे पास अब क्या है, डी ए बाई डी टी फाइंड करने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए और डी आर बाई डी टी होना चाहिए। डी आर बाई डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, आर भी हमें गिवन है व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2। रेडियस की वैल्यू क्या डालेंगे, 20/3, रेडियस की वैल्यू डालेंगे 10, एंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या डालेंगे, 23, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या डालेंगे, 3, ठीक है? तो कितना हो गया, 3 × 6 = 60 पाई। क्या है ये, यूनिट क्या होगी इसकी, सर एरिया तो फिर वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, ठीक है? चलें आगे। यस सर। नमन समझ आया, लिखना है? यस सर। नमन लस्सी पियोगी? नहीं सर, थैंक यू।
चलो बच्चों आगे, नमन लिख लिया? यस सर। दिवेश, जहान? हाँ जी सर। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 cm/s। वेरिएबल क्यूब, एज मतलब साइज, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? वेरिएबल क्यूब का जो साइज है, साइड है, एज एज मतलब साइज, किस रेट से चेंज हो रहा है? इसके साइड को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, क्या चेंज हो रहा है नमन, क्या चेंज हो रहा है? एज, एज मतलब साइड चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है? 3 cm/s। इसका मतलब क्या हुआ, क्या गिवन आ रही है? dx by dt हमें गिवन है, कितना गिवन है? 3 cm/s। ये समझ आया हमने dx by dt क्यों लिखा है इसको? हाँ जी सर। भाई ये साइड का रेट ऑफ चेंज है और साइड को हमने x से डिनोट किया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 3 cm/s, ठीक है। अब ये फाइंड करना है, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 cm/s, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करो। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, क्योंकि रेडियस हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे। डीवी अपॉन डीटी हमें फाइंड करना है, करेक्ट? यस सर।